हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गाइड एजुकेशन। आज यहाँ पे बात करने वाले हैं झारखंड सीजीएल एग्जाम 2022 के बारे में, जहाँ पे टॉपिक है पेपर वन का। यहाँ से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट नंबर 90 तक आ चुके हैं। जो लोग नए नए आ रहे हैं उनको मैं बता दूँ, वीडियो को डिसकंटिन्यू नहीं किया है, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग विजिट कीजिए, ठीक है? आप लोग को सारा चीज़ अच्छे से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज इंग्लिश का। बाकी आगे बढ़ने से चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगता है तो, और कमेंट में कुछ बताइएगा अगर क्वेरी आता है तो, ओके। और बाकी अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ईमेल है देख लीजिए, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से टेस्ट सीरीज वगैरह चलता है, पीडीएफ वहीं पर मिल जाता है, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं वहाँ प्रोवाइड कराता रहता हूँ, एक बार जुड़ के देखिए मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कहाँ से आ गया, फर्स्ट में तो फर्स्ट ही है। अ पुअर ब्लाइंड बेगर वॉज नॉक डाउन बाई अ बस। तो यहाँ से देख लीजिए, चार पार्ट दिया हुआ है, 1, 2, 3 और 4। इसमें आपको एरर पता करना है कि कौन सा पार्ट में एरर है, ओके? तो क्या होगा, अ पुअर ब्लाइंड वॉज नॉक, समझ में आ रहा है? देखिए जरा, देखिए पार्ट नंबर यहाँ पे जो सेकेंड दिख रहा है उसमें एरर है। क्या एरर है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आता है नॉक, KNOCK, ओके, नॉक नॉक डाउन ना, नॉक डाउन का मतलब होता है क्या, नॉक डाउन का मतलब होता है किसी को ठोकर मार देना, किसी को कुछ, ठीक है, ठोकर मारना यहाँ पे होता है, नॉकडाउन मतलब होता है ठोकर मार देना, तो नॉक डाउन है, तो यहाँ पे तो ठीक है, जब चलिए यहाँ से पच गया, चलिए नॉकडाउन तो दिया हुआ है, लेकिन फिर गड़बड़ी कहाँ है यहाँ पे ना, सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अ पुअर ब्लाइंड बेगर वाज नॉक डाउन, वाज नॉक डाउन यानी कि यहाँ पे रेफरेंस जो है से पैसिव वॉइस का है ना, तो पैसिव वॉइस में पास्ट टेंस में वाज या वेयर के बाद भी 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे नॉक का भी क्या होगा, भी 3 नॉक्ड, नॉक्ड होता है ना, तो ईडी लग जाएगा, तो यहाँ पे नॉक्ड डाउन होना चाहिए, तो बात समझ आ गया, कहना चाहिए था नॉक्ड डाउन का प्रयोग होना चाहिए था, ओके, तो समझ गया। तो पार्ट नंबर आपका कहाँ होना चाहिए, 2 मिरर होना चाहिए ना, क्योंकि नॉक्ड इसको बना देंगे सही हो जाएगा नॉकडाउन, तो नॉकडाउन मतलब, नॉकडाउन मतलब होता है ठोकर मार देना, नॉकडाउन मतलब कुचलना नहीं होता है, कुचलना का एक अलग से आता है फ्रेजल वर्ब रन ओवर, याद रखिएगा इसको भी, याद रखिएगा रन ओवर ना, तो रन ओवर मतलब होता है कुचल देना, ओके, अभी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है इससे भी रन ओवर, तो इसको याद रख लीजिएगा, नॉकडाउन हो गया। एक और याद रख लीजिएगा यहाँ से चलते चलते, नॉकआउट ना, नॉकआउट का मतलब होता है इलिमिनेट करना, आप लोग अगर गेम वगैरह देखते होंगे तो नॉकआउट अगर जो वर्ड है फ्रीक्वेंटली सुने होंगे कि नॉकआउट हो गया, ओके, ठीक है, समझ गया ना, तो यहाँ से देख लीजिएगा नॉक्ड, नॉक्ड डाउन होना चाहिए, तो पार्ट नंबर बी में इसको जो नॉक है उसको ईडी लगा देंगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईडियम्स और फ्रेज है, ओके, ईडियम्स और फ्रेज देखना है। हॉट मिस्ड अ बीट, क्या है हॉट मिस्ड अ बीट, मिस का V3 फॉर्म है यहाँ, ऐसे तो V3 V2 दोनों सेम ही होता है, यहाँ पे V2 है ना, यहाँ पे V2 फॉर्म है। हर्ट मिस्ड अ बीट, क्योंकि सिंपल पास्ट का रेफरेंस है, तो क्या हुआ, हर्ट जो है से मिस्ड कर दिया एक बीट करना, हर्ट बीट पता है ना कितना होता है, 72 टाइम्स पर मिनट, ओके, अब आप लोग जो सांस लेते हैं वो कितना होता है, लगभग आ जाता है 15 जो है से टाइम, 15 टाइम्स पर मिनट होता है ना, तो इसको याद रख लीजिएगा। और जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय ये बर्ड का जो है से आपका कितना हो जाता है, वो होता है 25 हो जाता है, 25 के आसपास हो जाता है, तो चलिए, तो मतलब आदत ही हो गया है ना, मतलब ऐसे मतलब कुछ ही बीच में आते हैं तो उसको बता देना चाहिए, तो मेरा आदत ही हो गया है, तो अगर नहीं बताना चाहिए बीच में, मुझे लगता है कुछ कुछ शेयर कर देना चाहिए तो मैं कर देता हूँ, ओके, अगर आप लोगों को लगता है कि मतलब नहीं करना चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हर्ट मिस्ड अ बीट, हर्ट जो है से बीट करना, मिस कर गया, भूल गया, तो क्या होना चाहिए, अ सीरियस मिस्टेक, बी गिल्टलेस, वेरी एक्साइटेड या फिर गुड नेचर्ड, क्या होना चाहिए, तो देखिए इसका जो होगा वेरी एक्साइटेड ना, जो जो हर्ट मिस्ड और बीट का जो इडियम है उसका मीनिंग जाता है वो होता है वेरी एक्साइटेड, ओके, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाना, ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग हर्ट मिस्ड और बीट, तो हर हर्ट मिस्ड और बीट मतलब सी वॉज वेरी एक्साइटेड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करेंगे, सी विजिटेड हर आंट जस्ट बिफोर अ वीक, बोला गया है जस्ट और बिफोर, ओके, तो क्या लगना चाहिए इसमें, देखिए यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो आपका ब्रैकेटेड पार्ट है, ओके, जो ब्रैकेट में है उसको आपको इम्प्रूव करना है ना, इम्प्रूव करना है, तो देखेंगे यहाँ से सी विजिटेड हर आंट जस्ट बिफोर अ वीक, ओके, तो क्या लगना चाहिए, देखिए सिंपल पास्ट का रेफरेंस है ना, विजिटेड जो है सिंपल पास्ट का रेफरेंस है, सिंपल पास्ट में जो हम लोग यूज करते हैं एगो का, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे सी विजिटेड हर आंट जस्ट अ वीक एगो, क्या लगेगा, जस्ट ए अ वीक एगो, ठीक है, तो समझिए, तो यहाँ पे अ वीक लेगो लग जाएगा, मैं बताया भी था कि लास्ट वीक वगैरह होता है, ओके, प्रीवियस मंथ होता है, ओके, तो ऐसे वगैरह आता है प्रीवियस वीक वगैरह, तो वहाँ पे पास सिंपल पास्ट टेंस का रूल लगता है, ओके, तो अ वीक एगो चला जाएगा, बिफोर वगैरह ऐसे जनरली नहीं लगता है, इसमें पास्ट में देखिएगा ना तो एगो का जो है ऐसे बिफोर होता है, सॉरी पास्ट टेंस में देखिएगा तो एगो का जो है इनडायरेक्ट स्पीच में होता है बिफोर ना, इस सेंस में, ओके, तो यहाँ पे बिफोर नहीं होगा, अ वीक एगो होगा, सही, डी चला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही हैज डिसाइडेड टू डैश फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी, तो क्या होना चाहिए? कैन वी ए डबल एस, कैनवासिंग, कैनवस या फिर एडवर्टाइज, क्या होना चाहिए था? तो देखिए, ही हैज डिसाइडेड टू डैश फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी, तो इसमें ए वर्ड चला जाएगा, कैनवस, ठीक है। तो कैनवास या जिस वर्ड है, कैनवस मतलब अगर आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं, कोई चीज़ डिसाइड करते हैं कि हमको कुछ जो उस पार्टी से लड़ना उड़ना है, चुनाव वगैरह, तो वहाँ पे कैनवस का यूज करते हैं ना, क्या करना उसके लिए हम लोग कैनवस का यूज करते हैं। एक कैनवस मतलब था कनस्तर होता है, आप लोग सुने होंगे कि इतना कैनवस वगैरह यूज होगा, जब लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़े होंगे ना, तो वहाँ पे कैनवस वगैरह यूज हुआ होगा। ओके ओके, इतना कैनवस यूज हुआ उसको बनाने में, समझे ना, तो उसको कैनवस होता है। ये कैनवस यहाँ पे पार्टी में जो है से एक तरह से कॉन्टेस्ट करने के लिए यूज हुआ है। ओके, तो सी ए एन वी ए डबल एस लगेगा। ओके, एडवर्टाइज तो मीनिंग जाएगा ही नहीं। ओके, कंजर्वेटिव पार्टी कहाँ का है? कंजर्वेटिव पार्टी यूके का है ना, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सी विल फिनिश द वर्क इन अलोंग अ वीक, अब गड़बड़ी क्या है बताइए। देखिए, यहाँ पे गड़बड़ी देखने को मिलेगा पार्ट नंबर थ्री में, क्या देखने को मिलेगा पार्ट नंबर थ्री में, तो आंसर कहाँ चला जाएगा? थ्री है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन देंगे तो देख लीजिएगा ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सी थ्री में नहीं है, आगे पीछे करके देने का ट्रेंड बन चुका है, बहुत सारे एग्जाम में अब ऐसे पूछते हैं, तो देख लीजिए। अगर आप लोग को भी ऐसे दिया जाए तो एग्जामिनर चाहता है ना कि आपको कहाँ से फंसाया, ठीक है, एग्जामिनर चाहता है कि आपको कहाँ फंसाया जाए, बट आपको फंसना नहीं है ना, आपको फंसना तो नहीं है, फंस जाइएगा तो फिर रह जाइएगा। अब हम लोग को देखना है कि इस पार्ट में एरर क्या है, पार्ट तो पता चल गया कि एरर है, एलोंग अ वीक। अब देखिए, इन के साथ एलोंग लगा दिया, यहाँ पे गड़बड़ी है। सी विल फिनिश द वर्क इन एलोंग वन वीक, नहीं, एलोंग यहाँ पे सुपर प्लस है। ओके, क्या लगे, एलोंग यहाँ पे सुपर प्लस, इन लगना ही नहीं चाहिए, क्या लगना चाहिए, इन लगना ही नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि एलोंग का यूज हम लोग जब, जैसे कोई काम आप लोग मतलब कोई चीज़ जा रहा है, क्या जा रहा है, उसके जा रहा है और उसी के साथ आप चल रहे हैं, तो उसको एलोंग का यूज करते हैं, मैंने साथ साथ चलने के सेंस में, अगर बैंक है कोई, अगर किनारा है, किनारे के पकड़ कर आप एकदम साथ चल रहे हैं, तो बोले आप बोलिएगा आई एम गोइंग एलोंग द रिवर। ओके, तो वहाँ पे ही होता है कि कुछ चीज़ को पकड़ कर उसके साथ साथ चलना, उसको उसमें सेंस में हम लोग एलोंग यूज करते हैं। यहाँ पे इन जाएगा कि इन अ वीक, अब इन अ वीक मतलब एक मतलब वीक में काम क्या कर लेगी, खत्म कर लेगी, एलोंग का यूज यहाँ पे जरूरत था ही नहीं, क्लियर। बाकी तो आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ से देखने को मिलेगा इन और विद इन, दो चीज़ में कन्फ्यूजन होता है ना, विद इन का यूज और इन का यूज। विद इन देखिए, अगर विद इन है, ओके, क्या है, विद इन है, तो विद इन का मतलब होता है कि कोई आपको टाइम दिया गया है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम मैं आपको दे दिया कि आपको एक वीक में सारा लेक्चर जो है इंग्लिश का रिवाइज कर देनी है। ओके, तो वहाँ से मैं आपको टाइम दे दे, तो वहाँ पे आपको जैसे विद इन लग गया, क्या लग गया, विद इन लग गया, उससे आगे नहीं होना चाहिए, आपका जो बाउंड सरकमफेरेंस है, ओके, उससे आपको बाहर नहीं निकलना, उसी के अंदर रहना है, तो वहाँ पे विद इन का यूज करते हैं। इन का मतलब है कि आप जो सरकमफेरेंस है उसे बाहर निकल सकते हैं। ओके, यानी कि मैं अगर मैं बोलूँ कि आई विल कम, ओके, इन वन वीक, इसका मतलब है कि एक वीक हो जाने पर मैं आ जाऊँगा, एक वीक में आ जाऊँगा, ओके, उससे पहले नहीं। तो ये दोनों जो वर्ड है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, विद इन और इन, ये प्रीपोजिशन का है, तो इस दोनों प्रीपोजिशन को ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके, तो इस सेंस में इन का तो ऐसे बहुत सारा यूज है। ओके, तो मतलब एक यूज में विद इन और इन में डिफरेंस बताया आपको। ओके, तो एलोंग का यूज यहाँ पे सुपर प्लस मत था, यानी कि आवश्यकता से अधिक था, यहाँ पे नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए, एक सेंटेंस अरेंजमेंट है, तो ये सेंटेंस अरेंजमेंट जो है तो बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा ईजी है, अब कर लीजिएगा, आराम से पकड़ लीजिए। सबसे पहले मैं बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब जो है से ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट होता है उसे पकड़ लीजिएगा, आराम से पकड़ा जाएगा। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं सेंटेंसेस को, ओके, तो उसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग, जैसे कि कोई कंजक्शन वगैरह हो गया, ओके, कोई अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन हो गया जो कि कोई पार्टिकुलर वर्ड के बाद फॉलो होता है, तो ऐसे ऐसे जो है से हम लोग पता कर लेते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, तो फॉर ऑल सिंस तो होगा ही नहीं, रिहर्सल्स तो होगा ही नहीं, नॉट इम्पोर्टेंट तो सब्जेक्ट होगा ही नहीं, ही न्यू हो सकता है, ओके, तो ही न्यू होगा क्यों? अब जैसे ही आपको पता चला कि ही न्यू होना चाहिए, सारे ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, ये ईजी था ना एक्चुअली में, या ईजी था, तो सारा चीज़ पढ़ के चलेंगे, इजी टॉप सब मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्यू आर एस पी ना, क्यू आर एस पी चला जाएगा, बाकी पढ़ देता हूँ। ही न्यू, उसके बाद क्या आया, ही न्यू क्या जानता था, ही न्यू रिहर्सल्स, रिहर्सल्स मतलब होता है कोई चीज़ अगर जो काम होता है उसको करने से पहले आप लोग उसका जो रियाज करते हैं उसको रिहर्सल बोला जाता है, रियाजी बोला जाता है, तो उसको रिहर्सल बोलते हैं। ओके, स्पेलिंग देख लीजिएगा, रिहर्सल्स लिखा हुआ है ना, रिहर्सल प्लुरल में है, तो ही न्यू रिहर्सल्स वेयर, ओके, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल सीन्स, जितना भी सीन होता है उसके लिए रिहर्सल इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सीन से एक वर्ड याद आ रहा है, सीनरी ना, SCENARY, ठीक है, सीनरी, ठीक है, तो सीनरी एक याद रखिएगा, सीन से सीनरी बना है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया, ऑप्शन नंबर ए चला गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है इडियम एंड फ्रेज। इडियम में देख लीजिए, ब्रिंग होम द बाकुन, और बाकुन का मतलब थोड़ा सा, मतलब बाकुन देखिएगा तो पता नहीं लोगों को लगेगा कि नहीं, तो मुझे बताना चाहिए नहीं। ये देखिए पोर्क होता है ना, पोर्क, तो उसको मतलब उसको बोला जाता है बाकुन। ओके, तो देख लीजिएगा, मुझे बहुत खिनाती है इससे। ब्रिंग होम द बाकुन क्या होता है? ब्रिंग होम द बाकुन का क्या मतलब होता है? टू अर्न मनी, टू लिव, टू फ्रेज वन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फाइट, टू कीप क्वाइट। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या होना चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ से ब्रिंग होम द बाकुन है, इसका मतलब होता है ना कि टू अर्न मनी टू लिव। क्या होता है? टू अर्न मनी टू लिव, यानी कि पैसा कमाना जीने के लिए। क्या होता है? जीने के लिए पैसा कमाना, उसके लिए होता है ब्रिंग होम द बाकुन। क्लियर? बाकुन का मतलब होता है पोर्क, पोर्क का मतलब जाकर सर्च कर लीजिएगा। ओके, पीक का जो मीट होता है ना, उसी को पोर्क बोला जाता है, तो वही लाने की बात की जा रही है। तो मतलब कोई चीज़ ऐसा चीज़ लाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कमा रहे हैं अपना, मतलब गुजारा बसारा करने के लिए। ओके, बात समझ आ गया? आप यहाँ से देख लीजिएगा, टू अर्न मनी टू लिव। अब एक होता है टू मेक बोथ एंड्स मीट ना, टू मेक बोथ एंड्स मेक, तो उसका मतलब होता है मीट, सॉरी, टू मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब होता है हार्डली से गुजर बसर करना ना, मतलब बहुत मुश्किल से गुजर बसर करना। नेक्स्ट आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पता करना है ना, कोरेस्पॉन्डेंस, कोरेस्पॉन्डेंस यहाँ लिखा हुआ है, सी ओ डबल आर ई कोरेस्पॉन्डेंस ये लिखा हुआ है, या सी ओ डबल आर ई डबल एस लिखा हुआ है, तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट वर्ड? तो देखिए करेक्ट वर्ड होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोरेस्पॉन्डेंस ना, सी ओ डबल आर ई एस होता है, डबल एस नहीं होता है, कोरेस्पॉन्डेंस। आप लोगों ने अभी जेएससी सीजल का फॉर्म जब अप्लाई किया होगा तो वहाँ पर कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा होगा। ओके, और परमानेंट एड्रेस तो देख लीजिए, तो ऐसे भी देखा कीजिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। इसलिए तो बोलता हूँ कि जब भी आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं कोई भी चीज़, तो अपना आँख एकदम खुला रखिए, कोई चीज़ कैसे लिखा हुआ है इस चीज़ पर हमेशा फोकस कीजिए। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, अर्थात जो वर्ड है इसका आप लोग सिमिलर मीनिंग यानी कि सिनोनिम आपको बतानी है। ओके, सिनोनिम। कंसीड का मतलब क्या होगा? रिजेक्ट। ओके, स्टार्ट। ओके, उसके या वीकेंड या फिर अफॉर्म, क्या होना चाहिए? तो देखिए कंसीड का मतलब होता है अफॉर्म कर देना, किसी चीज़ को अफॉर्म कर देना। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेशन, समझते हैं ना, सुनिश्चित कर देना उसको, मतलब मुकर्रर कर देना, ठीक है कि हाँ चलो यस हो गया, तो उसको बोलते हैं अफॉर्म करना। बाकी वीकेंड मतलब तो समझते हैं कमजोर करना होता है, रिजेक्ट का मतलब तो डिनाई होकर हो जाता है कि आप लोग कोई चीज़ को डिनाई कर दिए, ठीक है, अस्वीकार कर दिए, उसको बोलते हैं। तो कंसीड मतलब क्या हो जाएगा मीनिंग? कंसीड मतलब अफॉर्म हो जाएगा। फिर से एक सेंटेंस है रीअरेंजमेंट का, तो देख लेते हैं। तो इसमें से वही कहानी सारा चलेगा प्रीवियस वाला। सब्जेक्ट देख लीजिए, सबसे पहले आई लगेगा, तो क्यू आ गया सबसे पहले, उसके बाद क्यू और आर, पी एस, इसमें थोड़ा सा लगेगा। आई वॉज टोल्ड, आई वॉज टोल्ड, उसके बाद क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए। आई वॉज टोल्ड यू, आई वॉज टोल्ड हिम लगेगा, आई वॉज टोल्ड हिम लगेगा, या फिर सबसे पहले आपका यू लगेगा। तो यहाँ पे देखिए तो क्यू आर ही लग रहा है सबसे पहला सेंटेंस, तो भाई देखिए यहाँ से तो कन्फर्म है कि क्यू होगा। अब क्यू के बाद आर है, तो आर यहाँ पे पुट कर दीजिए दोनों में, क्यू आर। आई वॉज टोल्ड यू, आई वॉज टोल्ड यू लुकड आफ्टर, लुकड आफ्टर हिम व्हेन हिज एंड वॉज नियर। ओके, आई वॉज टोल्ड हिम, तो क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें, हाँ ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है कुछ। आई टोल्ड यू या यहाँ से ना वाज नहीं होना चाहिए, क्या होगा? वाज नहीं होना चाहिए, सेंटेंस गड़बड़ी है। आई टोल्ड यू लुकड आफ्टर हिम व्हेन हिज एंड वाज नियर, ठीक है, यानी कि मतलब जब बोला जा रहा है कि जब अंतिम अवस्था किसी का आ जाता है तो वहाँ से उनको देखभाल करना चाहिए। लुकड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो आई टोल्ड यू ना, तो आई टोल्ड यू क्यू आर, टोल्ड यू लुकड आफ्टर हिम ना, हिम ना, तो उसके बाद पी आना चाहिए, क्या आना चाहिए? पी, और हिम व्हेन हिज एंड वाज नियर, जब उनका अंत समय आ गया हो। ओके, तो यहाँ पे ये नंबर चला जाएगा। ओके, तो समझ लीजिएगा, तो इसको याद रख लीजिएगा। ओके, तो बोला जा रहा है कि जब किसी का एंड होता है, नियर होता है, तो उनको देखभाल करना चाहिए और करना भी चाहिए। क्यू आर पी एस होना चाहिए। लाइफ में कहा जाता है कि एक माँ बाप मिलकर, मतलब दोनों मिलकर जो है, दो माँ बाप मिलकर 100 बच्चों को पालते हैं, लेकिन 100 बच्चे मिलकर दो माँ बाप को नहीं पाल पाएंगे, आपस में लड़ते रहेंगे कि मैं रखूंगा तो मैं रखूंगा, ये इधर कहानी बंटवारा चल जाता है। ओके, तो देखिए ऐसा चलता है सोसाइटी में, ये सब चीज़ अब नहीं होनी चाहिए। देखिए समय के साथ बहुत चीज़ें बदल गई है। ओके, हमारा तो जो भी संस्कृति सभ्यता था, धीरे धीरे सब मिट्टी में मिलते जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा रिजुविनेट कीजिए। ओके, सब हमारा, हम कम से कम इस परिवार से जुड़े हैं, तो कम से कम ऐसा काम तो आप लोग मत कीजिएगा। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत बुरी चीज़ें हैं, माँ बाप कितना कष्ट करके बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, चाहे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराते हैं, और बाद में बच्चे जाकर
मतलब बहुत बुरे बुरे मतलब हरकत करते हैं, देखा जाता है कभी कभी। तो QRPS है ना, QRPS चला जाएगा सही ऑप्शन। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, वाज नहीं होना चाहिए। तो कुछ पैसिव सेंटेंस का क्या मतलब है, आई टोल्ड यू ना लुक्ड आफ्टर। और यहाँ से मैं बता देता हूँ, लुक्ड आफ्टर ना, यहाँ से लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। क्या होता है, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, ओके, यानी कि केयर करना। उसका लुक इनटू होता है ना, लुक इनटू मतलब होता है जांच पड़ताल करना। क्या करना, जांच पड़ताल करना यानी कि चेक करना, ओके। फिर होता है एक लुकआउट नोटिस होता है ना, क्या होता है, लुकआउट नोटिस। तो लुकआउट नोटिस मतलब होता है खोजबीन करना। अब ध्यान दीजिएगा, लुकआउट एक लुक फोर होता है, क्या होता है, लुक फोर। तो लुक फोर का मतलब ही सर्च करना होता है, क्या होता है, सर्च करना। अब लुकआउट का मतलब होता है छानबीन करना, खोजना, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ही सर्च होता है। लेकिन इस दोनों में अंतर क्या है समझाता हूँ। लुकआउट एक नोटिस जारी किया, जैसे मान लेते कोई अपराधी है, क्या होता है, कोई अपराधी है या कोई चीज़ गड़बड़ हो गया, तो वहाँ पर लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है, समझ लीजिए, समझ लीजिएगा। तो वो लुकआउट हो गया। और लुकर मतलब कोई डिक्शनरी वगैरह में चाहे कोई मीनिंग वगैरह देखना है, तो वहाँ पे हम लोग लुक फॉर का मीनिंग यूज करते हैं, ओके। तो समझ लीजिएगा, सर्च लुक फॉर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, ओके, ऐसे। क्लियर, लुक आफ्टर मतलब क्या होता है, केयर करना। लुक इनटू मतलब चेक चेक करना, जांच पड़ताल करना। लुकआउट मतलब जारी करना, एक नोटिस जारी करके करते हैं हम लोग। और लुक फॉर मतलब होता है सर्च करना। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ओके। इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो ब्रैकेटेड पार्ट है आपको उसको इम्प्रूव करना है। आई हैव नॉट फिनिश्ड, आई हैव नॉट फिनिश्ड द डोर, तो क्या लगना चाहिए, टू पेंट है तो नो इम्प्रूवमेंट जाना चाहिए। आई हैव फिनिश्ड टू पेंट द डोर, द पेंटिंग डोर, पेंटिंग डोर, या फिर द पेंट ऑफ। तो देखिए यहाँ से फिनिश्ड वगैरह है, ओके। देखिए जहाँ से ध्यान दीजिएगा, कोई वर्ड है फिनिश, क्या है, फिनिश है, स्टोव है, ओके, स्टार्ट है। इसके बाद कोई अगर भर्व आता है ना, तो जिरंड फॉर्म में होता है, यानी कि वी फॉर्म में होता है ना, तो इसको याद रख लीजिएगा। फिनिश है, स्टॉप है, स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाता है, जैसे ही स्टॉप टॉकिंग टू मी, ओके, स्टॉप टॉकिंग मी, टू नहीं लगेगा। तो देख लीजिए यहाँ से स्टॉप लग जाएगा, तो बस वी फॉर आ जाएगा, स्टार्ट, ओके, आर्ग्यूइंग विथ मी, ओके, समझिए। तो यहाँ से क्या लग जाएगा, यहाँ से लग जाएगा वी फॉर, यानी कि अगर नाउन आता है यहाँ से, हमको यहाँ पे एक जो भर्व आता है, उसके बाद जो भर्व मतलब यहाँ से एक भर्व है फिनिश वगैरह भर्व, उसके बाद अगर कोई आता है तो जिरंड फॉर्म में होता है और उसका वी फॉर होता है। तो यहाँ से पेंटिंग चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ना समझ गया ना। फिनिश, स्टॉप और स्टार्ट याद रख लीजिएगा। इसके बाद जो है से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से पेंटिंग चला जाएगा। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट कब बताना है, ओके, अपोजिट बताना है। कल जो है से एक क्वेश्चन आया था, मतलब कल देखने होंगे आप लोग, झारखंड बोर्ड का जैक एग्जाम हुआ था ना, जैक 12 का कल एग्जाम हुआ था, ओके, 12th क्लास का एग्जाम हुआ था, पता होगा आपको। तो उसमें क्वेश्चन आया था ब्राइट का मीनिंग ना, BRIGHT, कि ब्राइट का एंटोनिम क्या होगा पूछा था। तो उसमें एक पैसेज से था, तो उसमें डल दिया हुआ था ना, तो डल होगा ब्राइट का, ब्राइट मतलब चमकीला, डल मतलब फीका होता है, ओके। तो कल दिया था क्वेश्चन यह, देखिए तो पैसेज वगैरह ऐसे ही पूछे जाते हैं, ओके। तो संभावना आपसे भी रहेगा कि अगर कोई पैसेज वगैरह दिया जाएगा, ओके, तो उसमें से कोई अगर वर्ड यूज होता है तो उसको आपको दे सकते हैं कि इसका मीनिंग बताइए, क्योंकि पैसेज आप पढ़ के उसका मीनिंग समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो भी उसको जानना आवश्यक होगा, ठीक है, या फिर वह जानना चाहेगा एग्जामिनर आपसे। तो अपोजिट में बताना है सिमिलर का, तो सिमिलर का क्या हो जाएगा, बहुत ईजी है, डिसिमिलर, जो सिमिलर नहीं है, अपोज कंटेंट काइंड तो होगा ही नहीं, ओके, चलिए ईजी था। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, ओके, क्या बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो क्या हो गया, इनोग्रेंस, क्या इनोग्रेंस लिखा हुआ है, गॉज लिखा हुआ है, इनोकुलेट लिखा हुआ है, हायरार्की लिखा हुआ है, तो क्या होना चाहिए, पता चल रहा है, देखिए इसमें जो गड़बड़ी है वह पार्ट नंबर ए में है, इनोग्रेंस में ना, इग्नोरेंस जो है से कुछ गड़बड़ पढ़ा रहा है, इग्नोरेंस जो है उसमें गड़बड़ी है ना, तो क्या होगा सही, इग्नोरेंस, इग्नोर से बना हुआ है ना, इग्नोरेंस, RANC होना चाहिए ना, इग्नोरेंस, ओके, तो ऐसा ही होना चाहिए, ई नहीं लेना चाहिए। इनोकुलेट मतलब होता है जैसे कि आप लोग कोई ओरली होता है ना, जैसे वैक्सीन ओर लेते हैं ना, तो वैक्सीनेशन होता है इनोकुलेट, मतलब वैक्सीनेशन करवाना, ओके, इसको बोलते हैं इनोकुलेट। हायरार्की मतलब होता है पदानुक्रमण ना, पदानुक्रमण होता है हायरार्की, यानी कि कोई क्लास है वहाँ से आप लोग देखे होंगे कि बहुत बड़े क्लास है, उसके हायर क्लासेस है, तीसरा का क्रम होता है उसको हायरार्की बोला जाता है, हिंदी में इसको पदानुक्रमण बोलते हैं, ओके, चलिए। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर से आ जाता था, उसको पदानुक्रमण बोला जाता है, ओके। इनोकुलेट है, डबल एन नहीं होता है ना इनोकुलेट में, इनोकुलेट को इनोकुअस से मतलब कन्फ्यूज करिएगा, एक वर्ड होता है आई इनोकुलस, इनोकुअस, INOCOUS, इनोकुअस, ठीक है। तो इनोकुअस मतलब होता है हार्मलेस, तो इसको से कन्फ्यूज मत कीजिएगा ना, इनोकुअस मतलब हार्मलेस, इनोकुअस, COUS, CUOUS है ना, इनोकुअस,
तो देख लीजिएगा, इग्नोरेंस जो था तो गड़बड़ी था, आपको ई होना चाहिए ना, ई की जगह पे ई होना चाहिए। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर सैलरी हैव डैश ओवर द ईयर्स, ध्यान दीजिए, डेवलप्ड इंक्रीज प्रोग्रेस या पीरियड, तो सैलरी इंक्रीज करता है, ओके, इंक्रीज ओवर द ईयर्स। अब देखिए यहाँ से ओवर द ईयर्स जो सेंस होता है ना, अगर जनरेशन बाय जनरेशन, अगर जनरेशन बाय जनरेशन होता है या कोई एक ऐसा प्रक्रिया है जो लॉन्ग टाइम से चलते आ रहा है, तो वहाँ प्रीपोजिशन ओवर का यूज करते हैं। यहाँ से उसका सैलरी जो है से ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर जो है इंक्रीज कर रहा था, तो यहाँ पे ओवर प्रीपोजिशन का यूज किया, ओके। तो गड़बड़ करेगा ऐसा समझ लीजिएगा, यहाँ पे ओवर द ईयर्स, इन द ईयर्स करेगा तो नहीं होगा, ओवर द ईयर्स ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है साल दर साल, ओके, तो उसमें ओवर का लगता है। ओवर क्यों? ओवर क्योंकि जब पूरा साल पास हो जाता है, जब पूरा साल पास हो जाता है तो वहाँ पे ओवर का ही लगता है, इट्स ओवर। आप लोग सुने होंगे कि यानी कि खत्म हो चुका है। अब ऐसे ओवर आप लोग सुने होंगे कि जब कोई चीज़ अगर एक सरफेस है उसको पूरा तरह से कोई चीज़ ढक दिया है यहाँ से, तो उसको ओवर बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं? उसमें ओवर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, आइडिया होगा। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए बॉडीज मतलब यहाँ पे ना डेड बॉडीज है, क्या है? डेड बॉडी है, जिसको आप लोग कॉर्प्स बोलते हैं ना, CORPS, ठीक है, डेड बॉडीज को कॉर्प्स बोला जाता है। तो अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन आप लोग मूवीज वगैरह हम देखे होंगे कि मतलब आप लोग एक सडनली कोई एक पर्सन होता है, वह सीन सुनता है कि मृत्यु हो गया था, अचानक उसको पता नहीं होता है कि कौन है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए उसको देखे हुए कि एक घर मिले जाते हैं, वहाँ से डब्बा खोलते हैं और उसको दिखाते हैं, तो वो जो घर है ना उसको हम लोग मॉर्ग्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्ग्यू, यानी कि मुर्दा घर, ओके, बात समझ गया? तो उसी को मॉर्ग्यू यूज होता है उसके लिए, ओके। बाकी यहाँ से देख लीजिएगा, जो मॉर्ग्यू हो गया, इसके लिए एक और वर्ड है ना, मोर्चुअरी, MORTUARY, तो इसको याद रख सकते हैं। हस्ट मतलब एक तरह का झोपड़ी भी होता है ना, हस्ट झोपड़ी भी होता है, पिंजरा वगैरह भी आप लोग बोल सकते हैं, ऑर्किड वगैरह बगीचा होता है। तो देख लीजिएगा इसको, तो जहाँ बॉडी रखा जाता है उसको हम लोग मोर्चोरी या फिर मोर्गी बोलते हैं, ओके, आइडेंटिफिकेशन के लिए, समझ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच वर्ड मीन्स द सेम एज कॉलिक्स, देखिए कॉलिक्यू एक वर्ड है, यहाँ पर प्लुरल वर्ड है, तो कॉलिक मतलब क्या होता है? देखिए कॉलिक मतलब वर्ड होता है, उसका मीनिंग होता है कि आप लोग बात कर रहे हैं, क्या करना, बात करना मतलब सीरियस बात करना, तो उसको बोलते हैं कॉलिक। अब यहाँ से वर्ड देखिए, साइलेंस, क्विट और फिर यहाँ पे इंट्रोवर्ट, तो इसमें से कोई इसका मीनिंग नहीं देगा, सेम कन्वर्स देगा, क्योंकि कन्वर्स एक वर्ड होता है, देख आप लोग सुनेंगे कन्वर्सेशन, तो कन्वर्सेशन से इसको अंडरस्टैंड आप लोग कर सकते हैं, कन्वर्सेशन से कन्वर्स बना है, तो कॉलिक मतलब होता है डिस्कशन करना, यानी कि कन्वर्सन करना, तो कन्वर्सेशन करना, तो यहाँ से कन्वर्स इसका वर्ड चला जाएगा, ओके। साइलेंस ऑफ क्यूट मतलब समझते हो ना, साइलेंस ऑफ क्यूट मतलब, साइलेंस ऑफ क्यूट जो है ना इसका जो है से एक एंटोनिम बन जाएगा, साइलेंस ऑफ क्यूट दोनों जो है से इसका एंटोनिम बन जाएगा, ओके। और इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है? इंट्रोवर्ट मतलब एक ऐसा इंसान ना जो किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता है, मेरे टाइप का इंसान। अब एक होता है एक्स्ट्रोवर्ट टाइप का, जो किसी से बोलता रहेगा, फटकते रहेगा, इंट्रोवर्ट टाइप का, जो आप इंट्रोवर्ट को आप लोग चैटर बॉक्स जैसा समझ सकते हैं, बात तो नहीं होता है, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट मतलब इसको बोलते हैं अंतर्मुखी हिंदी में, और इसको बोलते हैं बहिर्मुखी, बात समझ में आ रहा है, आ रही है, समझ गया ना। तो यहाँ से देख लीजिएगा, कन्वर्स इसका करेक्ट सिनोनिम चला जाएगा, कॉलिक मतलब बातचीत करना, सीरियस डिस्कशन करना, तो उस सेंस में इसका आंसर कन्वर्स ही चला जाएगा। फिच वर्ड डज नॉट मीन द सेम एज कोहेशन, कोहेशन जो है से वर्ड है उसका कौन सा इसमें मीनिंग नहीं है, एधरेंस, यूनियन या फिर कोहरेंस, बताइए। देखिए कोहेशन मतलब होता है ना, कोहेशन मतलब कोई चीज़ से जुड़ जाना, क्या होना, कोई चीज़ से जुड़ना, उसको कोई चीज़ सपोर्ट करना, उसको बोलते हैं कोहेशन करना। तो इसमें पॉलिसीज का कोई मीनिंग नहीं बनता है, ठीक है। एधरेंस मतलब होता है कोई चीज़ का पालन करना, ओके, कोई चीज़ क्या होता है, कोई चीज़ पालन करना, जुड़ना, यूनियन मतलब भी जुड़ना ही होता है, कोहरेंस मतलब एक तरह से जुड़ना होता है, ओके। आप लोग पढ़े होंगे कोहरेंस सोर्सेस ऑफ लाइफ, तो यहाँ से देखिए पॉलिसीज एक अलग वर्ड है ना, तो देख लीजिएगा, बाकी हो गया आपका कोहेशन का, एधरेंस, यूनियन एक तरह से जुड़ना, कोहेरेंस भी हो गया। यहाँ से एधरेंस के साथ में एक प्रीपोजिशन टू आता है, कोई भी क्वेश्चन देते हैं एधेयर टू ना, तो इसको याद देखिए, पालन करना, ठीक है, जुड़ना, इस तरह का मीनिंग में जाता है। पॉलिसीज हो गया ना आपका, इसका मीनिंग नहीं देगा, बाकी तीनों मीनिंग दे रहा है। वन हु अटेंड्स टू द टीथ, अटेंड्स टू द टीथ मतलब क्या, टीथ का स्वागत कर रहा है, नहीं, इसका कहने का सेंस होता है कि जैसे कि थ्री डेट मतलब थ्री नहीं पीके में सुना है ना कि आई लव चिकन्स, तो आई लव चिकन्स का मतलब क्या है, कि चिकन से उसको प्यार है, नहीं, इसका मतलब क्या है, जो चिकन खाने वाला है। तो उस तरह से टीथ को जो अटेंड करता है, इसका मतलब होता है कि टीथ का डॉक्टर है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, अंडरटेकर, ओके, मर्सर और डेंटिस्ट या फिर ओक्यूलिस्ट, क्या बोलिएगा उसको। तो देखिए डेंटिस्ट होगा ना, क्या होगा, टीथ का डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं, डेंटिस्ट के पास गए थे। ओक्यूलिस्ट मतलब होता है आंख का डॉक्टर, क्या होता है, आंख का डॉक्टर ना, याद रखिएगा, ओक्यूलिस्ट मतलब होता है आंख का डॉक्टर, याद रखिएगा। डेंटिस्ट जो स्टडी ऑफ जो टीथ वगैरह होता है, या हाँ टीथ वगैरह का स्टडी होता है हम लोग करते हैं, उसको ओडोंटोलॉजी बोलते हैं ना, ओडोंटोलॉजी, इसको याद रख सकते हैं।
ओडोंटोलॉजी को आप लोग ऑन्कोलॉजी से कन्फ्यूज मत कीजिएगा, ऑन्कोलॉजी होता है स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर। अब एक आता है ओओलॉजी, क्या आता है ओओलॉजी, ओ मतलब क्या होता है अंडा गोला होता है ना, तो स्टडी ऑफ एग्स हो गया, इसको याद रख सकते हैं ओओलॉजी। क्लियर है ना? चलिए, और टीथ एक प्लूरल वर्ड है ना, टीथ एक प्लूरल वर्ड है, थोड़ा थोड़ा चीज ध्यान देख लीजिएगा। टूथ का प्लूरल है, उस तरह से फिट जो है एक प्लूरल वर्ड है, ऐसे याद देखिएगा, फूट का फिट होता है। क्लियर? फूट्स नहीं होता है, कभी कभी ऐसा देंगे तो फंसाएंगे तो फंसिएगा। क्वेश्चन आता है प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब बताना है आपको, तो इस प्रोफिशिएंट ना यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पीडीएफ में डाल दूंगा ना, एंटोनिम बताना है आपको इसका, क्या बताना है एंटोनिम। प्रोफिशिएंट मतलब क्या होता है, क्या हो रहा है इसका अपोजिट मीनिंग, फिट, कॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट या फिर एबल। देखिए प्रोफिशिएंट मतलब होता है गुणी टाइप से, क्या होता है गुणी तरह से एकदम चुस्त वगैरह है कोई आदमी, एक्टिव टाइप का है तो उसको प्रोफिशिएंट बोलते हैं। तो फिट, कॉम्पिटेंट और एबल सारा इसको सिनोनिम्स हो जाएगा। इनकॉम्पिटेंट मतलब होता है कोई चीज़ आप उसके काबिल नहीं है, क्या भाई कोई चीज़ का अगर काबिल नहीं है, उस आपके गुण नहीं है तो आप इनकम्पिटेंट, इनकम्पिटेंट है ना, तो याद रखिएगा, तो इसमें हो जाएगा इनकम्पिटेंट, सही चला जाएगा मीनिंग आपका, क्या चला जाएगा, चला जाएगा इनकम्पिटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यहाँ पे ब्रूचल दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है ब्रूचल, तो देखते हैं चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग करना है। ब्रूचल मतलब क्या होता है, ह्यूमन होगा, रिच होगा, अनविलिंग होगा, सोर होगा। तो देखिए ब्रूचल मतलब होता है आपको, देखिए मिलेगा मीनिंग, ब्रूचल मतलब होता है निर्दय टाइप का इंसान, क्या होता है निर्दय। ओके क्या होता है निर्दय, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका होगा ह्यूमन, क्या हो जाएगा ह्यूमन, ह्यूमन नहीं है ह्यूमन है, ह्यूमन मतलब होता है काइंड, क्या होता है ह्यूमन मतलब होता है काइंड, तो इसका अपोजिट मीनिंग दे देगा, क्या देगा अपोजिट मीनिंग दे देगा, कौन ह्यूमन, तो ब्यूचर मतलब होता है निर्दय, अब इसका मतलब क्या हो गया ह्यूमन मतलब काइंड, ह्यूमन मतलब आदमी नहीं ह्यूमेन है। ओके पढ़ते हैं ह्यूमेन, अनविली मतलब समझते होंगे, अनविली के मैं बताया था शायद रिलेक्टेंट मतलब डाला होगा, कहाँ डाला था उसको, रिलेक्टेंट पे लिखने दीजिए, रिलेक्टेंट होता है मतलब अनिच्छुक, तो इसको बाद याद रख सकते हैं, कम्युनिटी टाइप में डाला था उसको, देख लीजिएगा, अलग अलग जगह पर पोस्ट करते रहता हूँ, कनेक्ट रहिए। अ लॉट ऑफ पीपल डैश टर्न्ड अप फॉर द शो, क्या होगा अलॉट ऑफ पीपल के बाद क्या लगेगा, तो एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, अलॉट ऑफ के बाद ना, अलॉट ऑफ के बाद अगर को नाउन आता है इसके अलॉट के साथ, देखिए आपका काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, अनकाउंटेबल भी आ सकता है, तो अलॉट ऑफ के साथ अगर काउंटेबल नाउन आता है तो वहाँ पे जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वो वर्ब प्लुरल होगा, और अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा। तो अलॉट ऑफ पीपल क्या है, तो पीपल जो है सबका काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ से क्या लगेगा अलॉट ऑफ सारा एज वाज और हैज जो है सारा का सारा सिंगुलर फॉर्म में है, तो लगना चाहिए है A lot of people have turned up for the show. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, गिवन वर्ड के जैसा ही आपको बताना है, यानी कि सुनने में बताना है। एक्टिव का मतलब क्या हो गया, क्या होना चाहिए, इंडोलेंट, एनर्जेटिक, स्लोथफुल या फिर लेदर्जिक। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एनर्जेटिक। एक्टिव, एक्टिव का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक, पूरा तरह से एक्टिव है हम। ओके चुस्त हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। इंडोलेंट, स्लोथफुल, अलेदर्जिक, तीनों के तीनों इसका जो है से एंटोनियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंटोनियम, क्या होगा एंटोनियम, यानी कि इसका देखिए एक वर्ड और याद रखिएगा, डोरमेट ना, क्या होता है डोरमेट, डोर मतलब वही क्या होता है, डोर मतलब होता है आप लोग देखिएगा सुस्त टाइप का इंसान, क्या होता है सुस्त टाइप का इंसान, तो वही स्लोथफुल, इंडोलेंट मतलब लेजी, डोर मतलब लेजी, तो सारा जितना वर्ड लिखा है डोरमेट, लेजी, लेदर्जिक, स्लोथफुल, इंडोलेंट, सारा का मतलब होता है लेजी, आलसी, और उसका भी चला जाएगा एनर्जेटिक। ओके एक्टिव। इट हेल्प्ड हर टू गोट रीड ऑफ हर सुपरस्टिशियस बिलीफ, नो एरर, पता करना है इसमें किसमें एरर है, पार्ट बताइए, हर सुपरस्टिशियस बिलीफ टू गेट टू गोट रीड ऑफ टू इट हेल्प्ड हर या नो एरर, मैं तो सही पढ़ रहा था, टू के बाद कभी आदत ही नहीं है ना, यहाँ पे हमको ना देखिए यहाँ पे कभी एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद आता है ना वर्ब, तो वहाँ पे वी वन फॉर्म में होता है, टू प्लस वी वन मतलब जब यूज होते हैं हम लोग वहाँ पे, ओके इन्फिनिटिव के फॉर्म में, तो यहाँ पे टू प्लस वी वन होना चाहिए, तो यहाँ पे टू गेट रीड ऑफ होना चाहिए, क्या होता है टू गेट रीड ऑफ होना चाहिए, गॉट नहीं होता है, टू के बाद वी वन आता है, बता चुका हूँ, कोई भी मॉडल वर्ब होता है तो उसके बाद हमेशा वी वन आता है, हाँ अगर मॉडल वर्ब के साथ बी लगा दिया है कैन बी तो उसके बाद भीतरी आएगा, तो देख लीजिएगा उसको, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डू के डू डज डिड के बाद हमेशा वी वन आता है, हम बताया था ना हमेशा भी बनाता है, तो हम इसे भी क्वेश्चन डालते हैं तो देखते रहिएगा, तो गोट रीड नहीं होना चाहिए गेट रीड होना चाहिए, और गेट रीड का मतलब क्या होता है, टू गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, टू गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना किसी चीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द ट्रूपर हैड अ ब्यूटीफुल हॉर्स व्हिच वाज वन ऑफ द डैश इन द कंट्री,
वन ऑफ के बाद याद रखिएगा, वन ऑफ के बाद आप लोग देखने को मिलेगा आपको एडजेक्टिव भी आएगा। क्या आएगा? एडजेक्टिव भी आता है और नॉन भी आता है। एडजेक्टिव आएगा जिसको तो प्लूरल बनता नहीं, आपको आइडिया होगा कि मतलब नॉर्मल केस में नहीं बनता है। ओके, और कुछ कुछ अलग तरीका होता है। नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा, नाउन आएगा तो हमेशा प्लूरल रहेगा। देख लीजिएगा, तो वन ऑफ के बाद क्या लगना चाहिए? वन ऑफ द डैश इन द कंट्री, बेस्ट, मोर, गुड, ऑर्डिनरी, ओके, स्ट्रॉन्ग। तो देख लीजिएगा यहाँ से सारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को तो प्लूरल आप बना नहीं सकते हैं, तब सोचिए क्या लगेगा। अब एडजेक्टिव जब प्लूरल बनेगा नहीं, तो वन ऑफ के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आता है। तो वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री क्या होगा? वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, यानी कि बहुत चीज़ों के बीच की तुलना है ना। सारा जो कंट्री का हॉर्स था ब्यूटीफुल हॉर्स में, उसकी तुलना की जा रही थी उस हॉर्स से। ओके, तो यहाँ पे बेस्ट चला जाएगा। वन ऑफ के बाद एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म में लगेगा, यानी कि गुड, बेटर, बेस्ट। द यंग बॉय वॉज लर्निंग दिस आर्ट, द यंग बॉय वॉज लर्निंग दिस आर्ट डैश एन ओल्ड वाइज टीचर, द क्लोज फ्रॉम सिंस या नियरली या फिर टू, क्या लगना चाहिए? तो दिस आर्ट फ्रॉम एन, ना फ्रॉम एन ओल्ड वाइज टीचर, क्या लगना चाहिए? एक टीचर से अगर कोई चीज सीखते हैं वहाँ से, ओके, कुछ लेते हैं शिक्षा वगैरह, तो उस सेंस में हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। क्या करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। और कोई भी चीज़ अगर आर्ट वगैरह किसी से सीखते हैं, किसी से लेते हैं आप कुछ, तो वहाँ पे फ्रॉम ही लगता है। क्या लगता है? फ्रॉम लगता है। क्या लगना चाहिए? फ्रेम। तो टीचर से सीख रहा था, तो टीचर से ज्ञान अर्जित कर रहा था, तो फ्रॉम द, फ्रॉम एन ओल्ड वाइज टीचर लगना चाहिए। द एनमी डैश द किंग्स पैलेस, तो क्या लेना चाहिए? अटैक्ट, क्वारल्ड, ओके, डिसएग्रीड, अपसेटिंग या फिर आर्ग्यूड। तो यहाँ पे अगर पैलेस में, राजमहल में क्या करेगा? उसे राजमहल से आर्ग्यू मतलब तर्क वितर करेगा, उसे गुस्सा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, क्या करेगा? अटैक करेगा। तो अटैक कर दिया कहाँ पे? एनमी जो है से किंग्स का पैलेस में अटैक कर दिया। यहाँ पे एपोस्ट्रोफीएस का यूज है ना, एपोस्ट्रोफीएस का यूज है। एपोस्ट्रोफीएस हम लोग पर्सन के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं? पर्सन के लिए यूज करते हैं, जनरली बात कर रहा हूँ, ओके, नॉन लिमिटिंग के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। नहीं, कहीं कहीं यूज होता है, जैसे कि अर्थ, अर्थ सर्फेस होकर यूज हो गया, ओके, सन रेज हो गया, ऐसे यूज करते हैं। द ओल्ड मैन थॉट अ पैरट वुड बी द बेस्ट पेट टू हैव डैश इट कुड टॉक, क्या लगना चाहिए? सोच रहा था ओल्ड मैन कि एक पैरट जो होगा ना, से एक अच्छा होगा, बेस्ट पेट होगा। पेट मतलब जिसको आप लोग पेट में साट के रखते हैं। जब पढ़ाता तो लोग ऐसे थोड़ा सा मजाक भी बोल देता हूँ कि पेट किसको बोलते हैं? पेट एनिमल। तो पेट एनिमल उसको बोलते हैं जो पेट, जिसको आप पेट में साट के रख सकते हैं। बुरा तो नहीं लगेगा, बुरा नहीं मानना है, ओके, बुरा नहीं मानना है, बुरा आप मान नहीं सकते हैं, ओके। पेट टू हैव डैश इट कुड टॉक थ्रू हाउ इट सीन्स स्टिल, यहाँ पे हमको रीजन देना है, ध्यान दीजिएगा, क्या देना है? रीजन देना है कि पेट जो है ना, से एक पैरट जो होगा से अच्छा पेट होगा। क्या होगा? पैरट जो है से एक अच्छा पेट होगा, क्यों? सिंस इट कुड टॉक, चूंकि यह बात कर सकता है, ओके, क्या करता है? हमको रीजन देना है यहाँ पे, सिंस इट कुड टॉक, ठीक है, क्या होता है? सिंस इट टॉक, तो एट तो यहाँ पे लगेगा नहीं, ऑल्दो के साथ एट लगता है, स्टिल के साथ मीनिंग अभी नहीं जाएगा, एडवर्ब वगैरह कुछ लगाने का, क्या जाएगा यहाँ पे? सिंस जाएगा, सिंस इट कुड टॉक। रीजन डालने के लिए हम लोग सिंस यूज करते हैं, आपको पता होगा, रीजन डालने के लिए, ओके, हम लोग यूज करते हैं। द डियर डैश, और मैं जब चर्चा किया था जे से सीजल के लिए, तो आज थोड़ा सा ना वीडियो हमको लगता है आज लेट अपलोड हो जाएगा। द मुझे ना बहुत सारे काम रहते हैं, मतलब क्या बताऊँ, मैं तो डिस्कस कर चुका हूँ बार बार, मैं क्या बोलूँ, तो बहुत सारे काम रहते हैं, तो आज तो मैं रात को ना सो भी नहीं पाया था, नींद ही नहीं आ रहा था रात को। द डियर डैश आउट द जैकाल फॉर हेल्प, बट ही प्रिटेंडेड नॉट टू हियर, जैकाल को बोला कौन? डियर, कि सुनो भाई, लेकिन जैकाल जो है प्रिटेंड मतलब बहानेबाजी कर दिया कि हमको तो सुना ही नहीं दे रहा, ओके। स्क्रीम, कॉल्ड, नॉइज या फिर साउट या फिर लाउडली, देखिए यहाँ पे होगा कॉल्ड आउट, क्या होगा? कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब होता है ना पुकारना, क्या होता है? कॉल आउट मतलब पुकारना, आपको अगर हेल्प चाहिए तो इसमें आप लोग कॉल आउट का यूज कर सकते हैं। कॉल इन का मतलब होता है बुलाना, कॉल इन मतलब बुलाना, कॉल आउट का मतलब पुकारना कोई चीज़ हेल्प करने के लिए, ओके। तो हो गया कॉल्ड आउट द जैकाल फॉर हेल्प, बट ही प्रिटेंडेड नॉट टू हियर, ओके। तो ये सारे कुछ कुछ क्वेश्चन थे, देखता हूँ कितना मजा अपलोड हो जाता है, थोड़ा बहुत अगर लेट होगा तो मैनेज करके चलना है, ओके, क्योंकि लाइफ में मैनेज करके ही चलना पड़ेगा, ओके, इसको करना ही पड़ेगा, इसको मैं कुछ अब विकल्प नहीं दे सकता हूँ, थोड़ा बहुत तो हो जाता है। तो चलिए, बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ा लिखा व्यस्त रहें, कोई भी सजेशन वगैरह होता है ना तो आप लोग ईमेल कर दीजिएगा मुझे, कोई भी मतलब टॉपिक वगैरह आता है, अगर कहीं से अगर क्वेश्चन वगैरह आते हैं आप लोग पास होगा, तो मैं भी बहुत सारा व्यवस्था कर रखा हूँ फर्स्ट ईयर का, ओके, देखिए बहुत सारी चीज़ आने वाला है आपका, ठीक है, फर्स्ट ईयर का मैं पेपर को इकट्ठा कर रहा हूँ, तो मैं आपको बहुत चीज़ प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ओके, तो जुड़े रहिए। यहाँ तक आते हैं तो जीए जरूर लिख दीजिएगा, एक काम कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, एक काम कर दीजिए, यहाँ तक आते हैं तो आप लोग जितने लोग आते हैं ना, थोड़ा सा अपना 2-3 सेकंड निकालिए, बस जीए लिख दीजिएगा, ओके, आपसे रिक्वेस्ट है, एक नम्र निवेदन है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पहले खाएं, व्यस्त रहें, ख्याल रखें, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय कीजिए, वंदे भारतम।